उदयपुर में हुई नरसंहार हत्याकांड का कनेक्शन भीलवाड़ा के आसीन से भी जुड़ा हुआ, जो एक आरोपी हत्या के मोहम्मद रियाज अतारी, वो मूलतः भीलवाड़ा जिले के आसीन के रहने वाले हैं। हम खड़े हैं उन्हीं के मकान के बाहर। यहाँ से वो करीब 20-22 साल पहले 2021 में, जब उनके वालिद साहब मोहम्मद जब्बार जी लोहार का इंतकाल हो गया था, तो वो उदयपुर चले गए थे। फिर शादी भी उदयपुर की, वो उदयपुर बस गए थे। और ये कुल 9 भाई हैं, एक बहन है, उनमें से 3 का इंतकाल हो चुका है, 6 भाई अभी हैं, ये सबसे छोटे थे रियाज, और 4 भाई आसीन में रहते हैं, 2 विजयनगर में रहते हैं, 1 इनकी बहन है। इनके भतीजे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो चाचा ने जिस तरह की घटना की है उस पर क्या कहेंगे आप? जी, उन्होंने जो घटना करी, सबसे पहली बात तो वो 2001 उनकी शादी हुई थी, उसके बाद से वो उदयपुर सेटल हो गए, ठीक है। उनके बाद ना उनसे हमारी मतलब बात होती थी, पर उस हद तक बात नहीं होती थी, मतलब नॉर्मल। उसके बाद हमारे नासिर भाई की अभी 2022-21 में डेट हुई थी पापा की, तब भी वो यहाँ नहीं आए थे। अपने भाई की मौत पर भी नहीं आए थे? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस। यूनुस जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। यूनुस जी, जिस तरह की बात है और जिस तरह का वीडियो उन्होंने वायरल किया है, क्योंकि ये यहाँ गुजरों का धर्मस्थल है, बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल है, ये तो पवित्र भूमि आसीन, और यहाँ भाईचारा रहता है, इस तरह की जो घटना है, भाईचारा बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, उस पर आप क्या कहेंगे, चाहे वो आपके चाचा ही क्यों ना हो? गलत है ये, बिल्कुल। ये है कि शांति भंग करने का एक वो है, शांति भंग करने का वही है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने जो हरकत करी, अब उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, वो उनको जब वो जानते हैं, हालांकि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने पहले से कुछ सोच रखा था कि नहीं सोच रखा था, वो सब वो ही जानते हैं। अब उन्होंने जो करा वो तो गलत है, और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। नबी की शान में जिसने गुस्ता की उसको कानून काम करे, उसकी गिरफ्तारी हो या जो भी कार्रवाई हो, पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे आपसी जो अपना व्यवहार है वो बिगड़ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा है, नबी की शान में गुस्ताखी करना भी देखो एक तरह से गलत ही है, क्योंकि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी अल्लाह के, उनके बारे में जो लोग कहते हैं वो भी गलत ही है। हालांकि चाचा ने जो किया वो गलत ही है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून अपना काम करे। जी, कानून अपना काम करे। उन्होंने जो किया वो गलत किया। जी, गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप तो परिवार से, आप कह रहे हैं कि जब उनके सगे भाई की मृत्यु हुई थी तब भी यहाँ नहीं आए थे वो। अब नहीं आए थे तो आप क्या कह सकते हैं? के दूसरे भतीजे हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ नाम है। शरीफ जी, क्या कहेंगे इस घटना पे आप? देखो, ये बात तो गलत ही हुई है, बाकी यहाँ तो रहते ही नहीं थे, हमारे से बातचीत होती नहीं थी, इस हिसाब से जो भी है जो देख लो आपका कार्रवाई। हम तो यहाँ रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, हमें ऐसा कोई चीज़ का गलत है ही नहीं है। इस हिसाब से हमारा तो व्यवहार फुल है, किसी समाज से हम तो वेल्डिंग काम करते हैं, सब जगह जाते हैं, गाँव में जाते हैं, हमें ऐसी कोई तकलीफ होती नहीं है इस हिसाब से। अच्छा, उन्होंने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? सजा तो देखो, अब हम किस जगह कान करा तो सजा तो मिलेगी ही है, इस काम करना नहीं चाहिए इनको। ये वाली जो हुजूर के बारे में बोला है तो उसके लिए सजा देते इस चीज़ के लिए, बाकी इन्होंने बोला हाँ गलत है ये चीज़ के लिए तो गलत बोला ही। इससे परिवार का आसीन का नाम खराब हुआ है? नाम तो खराब हुआ ही है आसीन का। उनके एक और भतीजे मेरे साथ हैं, क्या नाम आपका? नासिर नाम मेरा। नासिर जी, आपके वालिद साहब क्या नाम था उनका? इकबाल मोहम्मद नाम था। उनकी जब साल दो साल पहले जब डेथ हुई थी, इंतकाल हुआ था, तब भी वो नहीं आए थे? वो नहीं आए थे जिस दिन। तो क्या पूरे परिवार से वो उनका कनेक्शन खत्म सा हो गया था क्या? करते थे मगर वो क्या यहाँ से जाए बाद में क्या, फिर वो आते नहीं, यहाँ पे आए नहीं, आते भी नहीं थे वो। और क्या जो बहुत सारे उनके भाई इनसे वो रखते थे, ढेर से रखते थे, तो आते ही नहीं यहाँ पे, उनसे बात होती नहीं, मुलाकात होती नहीं थी। इस घटना पे क्या कहेंगे आप, उदयपुर वाली घटना पर? देखो, जो भी हुआ है अभी गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके उनके चक्कर से हमारे आसिन में भाईचारा टूटा है यहाँ पे। आज हम आराम से रहते हैं, काम करते हैं, हमारे अंदर हिंदुओं साथ में, हम सब भाई लोग साथ में रहते हैं, सब अच्छा कर रहते हैं, मगर यहाँ ऐसा माहौल खराब होने से हमारी भी अहमियत खराब होती है। परिवार की बदनामी हुई है, कस्बे की बदनामी हुई, भीलवाड़ा की बदनामी, बदनामी हुई, परिवार की बदनामी, परिवार में सब कोई ऐसा मामला ही नहीं हुआ कभी आज तक। जी सर, आप लोग हमेशा यहाँ आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं? देखो, कोई दिक्कत नहीं हमारे, देखो यहाँ हिंदू भी रहते हैं, हिंदू मोहल्ला है पूरा, ये मुस्लिम हमारे 4-5 घर ही इस मोहल्ले में, बाकी आगे घर यहाँ पे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, 6 साल हो गए हमें यहाँ पे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और जो रियाज चाचा वो थे फिर अंकल, वो उनको यहाँ से 17-18 साल हो गए यहाँ गए को, और उदयपुर सेट हो गए, उदयपुर रहते थे, इनका आना जाना वैसे कम होता है यहाँ पे। तो ये जो हत्या के आरोपी हैं रियाज अतारी,
उनके तीनों भतीजे से हमारी बात हुई है। जो सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि ये जो मोहल्ला है ये इनके समुदाय का नहीं है, दूसरे लोग हैं, हिंदू यहाँ रहते हैं, पर इन्होंने कभी कहा कि कभी हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ा। आज भी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहाँ भीलवाड़ा पुलिस ने यहाँ इंतजाम लगा रखे हैं, इनको सुरक्षा दे रखी है, पर इनको ये कहते हैं कि इनको कोई खतरा नहीं है, आपस में भाईचारे से रहते हैं। जो घटना इनके चाचा ने की उससे आसिन का नाम खराब हुआ, इनका परिवार का नाम खराब हुआ, और इनका कहना है कि कानून अपना काम करे, अगर किसी ने नबी की शान में कोई गलती की है तो उसे भी कानून सजा दे, कानून अपने हाथ में लेने की बात नहीं करते। अपने इनके चाचा ने जो काम किया ये कह रहे हैं कि उनको भी कानून सजा दे, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं। वो इस पर यहाँ से आसिन से उनका कनेक्शन एक तरह से लगभग 20-21 साल से खत्म हो चुका था।